हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोग नेस्टोजन 1, लैक्टोजन 1 और नैनप्रो 1 के बीच का डिफरेंस जानना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है इनके बीच ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस। नेस्टोजन 1 के 400 ग्राम फॉर्मूला मिल्क पाउडर का MRP 238 रुपीज़ है, वहीं लैक्टोजन 1 के 400 ग्राम की कॉस्ट 375 रुपीज़ है, जो कि नेस्टोजन 1 से करीब 137 रुपीज़ ज़्यादा है। नैनप्रो 1 के 400 ग्राम की कॉस्ट 690 रुपीज़ है, जो कि लैक्टोजन 1 से करीब 315 रुपये ज़्यादा है और नेस्टोजन 1 से करीब 452 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली है। इसी वजह से काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो नैनप्रो 1 की जगह सस्ते ऑप्शन जैसे लैक्टोजन 1 या नेस्टोजन 1 यूज़ कर सकते हैं, और महंगे पाउडर नैनप्रो 1 में ऐसा क्या है जो इसे इतना कॉस्टली बनाता है। क्या इस पर इतने पैसे खर्च करना फ़ायदेमंद है भी या नहीं। न्यूबॉर्न बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी मिल्क रिक्वायरमेंट तेज़ी से बढ़ती है, और ऐसी कंडीशन में 315 और 452 रुपये पर 400 ग्राम मिल्क पाउडर ज़्यादा खर्च करने पर ये महीने में काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगता है। सबसे पहले बात करते हैं नेस्टोजन 1 की, जो इनमें सबसे सस्ता है। बेसिकली अधिकतर मिल्क पाउडर एनिमल मिल्क को मॉडिफाई करके ही बनाए जाते हैं। काउ मिल्क में वे और केसिन प्रोटीन का रेशियो 20:80 होता है, यानी केसिन प्रोटीन वे प्रोटीन से ज़्यादा होती है। वहीं मदर मिल्क में वे प्रोटीन 50-80% तक होता है, यानी वे प्रोटीन ह्यूमन मिल्क में ज़्यादा होता है। वे प्रोटीन और केसिन प्रोटीन को आसान भाषा में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब आप दूध से पनीर बनाते हैं तो जो पनीर बनता है वो केसिन प्रोटीन होती है, और जो उसका पानी बच जाता है उसमें वे प्रोटीन होता है। इसी तरह जब दूध से दही बनता है या दूध फट जाता है तो उसमें दही की तरह जो पार्ट होता है उसमें केसिन प्रोटीन होती है, बाकी लिक्विड वे प्रोटीन होता है। वे प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जबकि केसिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में न्यूबॉर्न बेबी को वे प्रोटीन के कंपेयर में ज़्यादा परेशानी होती है और ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए फॉर्मूला मिल्क में वे प्रोटीन को ऐड करके इसकी अमाउंट केसिन से ज़्यादा की जाती है। नेस्टोजन 1 में प्रोटीन की अमाउंट 100 ग्राम पाउडर में करीब 11.2 ग्राम है, जो लैक्टोजन 1 और नैनप्रो 1 से थोड़ा ज़्यादा है, पर इसमें वे और केसिन प्रोटीन रेशियो मेंशन नहीं किया गया है, जबकि लैक्टोजन 1 और नैनप्रो 1 में दिया गया है। इसके अलावा नेस्टोजन 1 में सोडियम क्लोराइड की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा है, और इसमें टॉरीन, एल कार्निटीन, ARA, DHA और न्यूक्लियोटाइड नहीं है। इसी वजह से ये सबसे सस्ता और प्रोटोटाइप फॉर्मूला मिल्क पाउडर है। वहीं लैक्टोजन 1 में वे और केसिन पाउडर का रेशियो नैनप्रो से थोड़ा सा अलग है, पर ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। मेन डिफरेंस ARA, DHA और न्यूक्लियोटाइड का है। ARA और DHA बेसिकली बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड बेबी के इम्यून सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद होता है। वैसे बॉडी में भी DHA स्मॉल अमाउंट में बनाने की कैपेसिटी होती है, जो कि बॉडी में प्रेजेंट ALA से बनता है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, तो नेस्टोजन 1 नेस्ले का बेसिक फॉर्मूला मिल्क पाउडर है, जिसमें मल्टीविटामिन और मिनरल ऐड किए गए हैं, पर इसमें वे प्रोटीन कम है और ARA, DHA न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं किया गया है। लैक्टोजन 1 थोड़ा एडवांस है, जिसमें वे प्रोटीन के साथ कुछ प्रोबायोटिक्स और एल कार्निटिन ऐड किया गया है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नैनप्रो 1 का कंपोजिशन दोनों से थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, इसमें वे प्रोटीन भी थोड़ा ज़्यादा है। इसके अलावा ARA, DHA और न्यूक्लियोटाइड भी थोड़ा ज़्यादा है। नैनप्रो 1 इन सभी में बेस्ट है। सेकेंड ऑप्शन में लैक्टोजन 1 दे सकते हैं, क्योंकि कुछ अमाउंट में DHA इसमें अवेलेबल ALA से भी बन सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस है तो आप नेस्टोजन 1 भी दे सकते हैं,
या फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेकर आप बच्चे को एनिमल मिल्क जैसे काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।